हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज थोड़ा सा पता नहीं थ्रोट में वो लग रहा है ना, हल्का सा इचिंग सी हो रही है और डस्ट में भी करते हैं। तो बस कुछ नहीं, आज अभी मैं निकल रहा था रिहर्सल के लिए। एंड रिहर्सल के लिए मुझे आज सैटरडे है, जो है वो मेरा परफॉर्मेंस शाम को 9:30 बजे से वो टेलीकास्ट होने वाला है। मैं अभी कुछ खा लेता हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये जो मैडम है वो क्या लेके बैठी है, और मेरे कपड़े हम बाज नहीं है तो ये कुर्ते हैं मेरे। सो बेसिक आपके कुर्ते बहुत से वैसे काफी अभी पुराने पुराने हो गए हैं और है नहीं, तो आपके लिए हम गए थे तो भगवान कलेक्शन में ये टसर के कपड़े बहुत अच्छे आए थे, ये सिल्क टाइप के, जिससे मैंने आपके लिए खूब सारे ले लिए। अभी आप बताओ किसका शर्ट कॉलर बनाना है, किसका नेहरू कॉलर बनाना है, एज ऑलवेज। ओके बताओ, ये है, ये है, ये है, और इसमें से जिस जिसमें से आधा मीटर कपड़ा निकल पाएगा वो रूहानी में आइए। क्या हुआ? उनके लिए कुर्ते लेके आई हूँ नए। अच्छा, तो शर्ट कॉलर बनाने या नेहरू कॉलर, वो सर का अप्रूवल। ये दोनों बना लो मिक्स, बहुत अच्छा लगा। ये आप वो जैसे सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए होता है ये वैसा। ये इसकी सलवार का सेम कपड़ा, ये क्रीम ऑफ वाइट, और इसकी सलवार का। चलो बताओ। क्या है, क्या है? उठ गए आप, उठ गए। ओले अंगड़ाई। तो हो गया मेरा नाश्ता और अभी मैं निकल रहा हूँ रिहर्सल के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूँ, और फिर क्योंकि वहां पर निकल जाऊंगा एंड देन इसके बाद जो है वो मैं अपने इस वीक का जो BTS था, जो बेसिकली कैसे कैसे इस वीक मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था, टायरिंग बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस वीक आपने देखा अभी तक आपने तो परफॉर्मेंस देख लिया होगा, आपने प्रोमोज में देखा होगा कि इस बार हमने जो है ना आइस पे परफॉर्म किया है, और आइस पे डांस करना ईजी नहीं है यार, सच में। और जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा है तो हमने सोचा कि यार चलो कोई नहीं, कुछ डिफरेंट चीज़ देते हैं, लेकिन शायद कभी कभी डिफरेंट चीज़ें वर्क नहीं करती, तो हमारे साथ वो इतना वर्क नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया आप लोगों ने। हाँ, और पूरे दिलों जान से ट्राई किया, और बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप 5 मिनट अगर आइस पे हाथ रख दें, जस्ट 5 मिनट्स बाय द क्लॉक, तो हालत ख़राब हो जाती है। और शोएब जब घर आया करते थे तो वो दो दो चेंज लेके जाते थे, एंड पूरा सब लोग, शोएब, अनु, एजे, सब लोग, ये सारे के सारे लोग पूरा पूरा दिन 6-6, 8-8 घंटे उस आइस पे प्रैक्टिस करना, लेटना, इवन परफॉर्मेंस से पहले जो प्रेप कर रहे थे वो लेटे थे वो लोग आइस पे, ताकि बॉडी यूज्ड हो जाए, नम हो जाए, तो उस नम बॉडी में परफॉर्म करना। और जब आइस से जब बॉडी नम हो जाती है ना, तो बहुत आसानी से आपका कट पड़ जाता है, और वो कट पता भी नहीं चलता। तो रोज मुझे कम से कम 2-3 फोटोज आती थी कि आज ये कट गया, आज ये कट गया, आज ये कट गया। और फिर वो नेल आप लोगों ने देखा होगा, नेल तो बहुत बुरी तरीके से उखड़ा था, पर कोई नहीं। सी क्या होता है ना लाइफ में, जब तक आप, मुझे बहुत अच्छा, हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ, लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लेते ना, और मुझे ऐसा था कि यार नहीं यार अभी करते हैं ना, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो कुछ नया करना चाहा। और कभी कभी जैसे नहीं वर्क करता, इस बार वर्क नहीं किया, बट मैं एक चीज बोलूं कि मैं मुझ पे और हमारी पूरी टीम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये ट्राई किया, जो कि हर एक की बस की बात नहीं है, उसमें कोशिश की, बट ठीक है नहीं वर्क किया कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है लाइफ में हर स्टेज में आप कामयाब भी हो। कभी कभी आप कुछ नई चीजें ट्राई करते हो तो आपको फेलियर भी मिलता है, आपको यू नो आप नहीं कामयाब उतना हो पाते हो। तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड माय टीम, अनु, एजे एंड तेजल थी उसमें, तो ठीक है कोई नहीं। बस इस बार जो है वो जरूरत है आपके वोटों की, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ आगे जाना, तो प्लीज मेरे लिए वोट कीजिए। एंड इस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस वक्त कि मार्क्स कम है, आपने देखे होंगे सबसे लोएस्ट मैं हूँ इस बार 21, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके आपके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जर्नी में आगे जाऊँ, कंटिन्यू करूँ, तो आज आपको बहुत ज़्यादा वोट करना होगा। और वोटिंग लाइंस अभी खुली हैं, जो कि 12 बजे तक ही सिर्फ खुली हैं, अभी रात 12 बजे तक ही, मतलब आज डेट क्या है 9 तारीख,
10th को नहीं खुलेंगी, आज ही जो अभी आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो इसके बाद तुरंत जाइए और वोटिंग कर दीजिए। एक फोन से 50 वोट आप कर सकते हो, तो इस बार बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, मैं निकल भी सकता हूँ। मुझे 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 आप लोगों के प्यार पे यकीन है, जो भी हमारे चाहने वाले हैं उनके प्यार में इतनी पावर है कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। दूंगा देखो मेहनत में, as I said in my story, hard work never goes waste, it always pays off and it will. तो definitely आपको मैंने बहुत मेहनत की है, हम सब ने देखी है, पर कोई बात नहीं, कभी you know performances चीजें ये सब ऐसी होती है, कभी अच्छी होती है जैसे कि आपने बोला, कभी अच्छा निकल जाता है, कभी नहीं जमता सबको, तो कोई बात नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि हाँ बस यही है कि वोट करिएगा, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश डाल रहा हूँ, पूरी शिद्दत से मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से, जो मुझसे नहीं होता मैं वो भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यस अभी जर्नी इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो आगे लंबी होगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जितनी रही बहुत अच्छी रही। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो है आपके पास वो बहुत कीमती है, जो नहीं है वो आपके लिए बना ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो जब तक ये जर्नी रहेगी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत रहेगी, जब नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, इतनी जर्नी थी नसीब में लिखी थी तो इतनी होगी, बट आप अपना काम करिएगा कि वोट्स जो है वो आपको करने हैं, मैं बस आपके वोट्स ही मुझे बता सकते हैं इस बार, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जर्नी में आगे जाऊं चलक की जर्नी में, और तो वोट करिएगा प्लीज। तो फिलहाल मैं अभी चलता हूं। क्यों रोहन, बोलो पापा के लिए वोट करें, पापा के लिए वोट करें, करें पापा के लिए वोट। तो मैं निकल गया हूं रिहर्सल के लिए, जब तक आप देखिए इस हफ्ते का बिहाइंड द सीन एंड शूट डे का शूट। देख रहा आप इस बार का हमारा जो चीज है वो क्या है, वो ये है शिट, और हम इस पे डांस करने वाले हैं। क्या हाल है भाई, एक बार एक हाथ लगा के देखो। अरे रे अभी सीन तो हो रहा है।
कुत्ता। बारह एक बजे आइस पे नचा रहे हैं मेरे को, कितना नचा रहा आइस पे वो एकदम से उछाल से भी ना, और आइस पे भी स्लिप कर रहा पानी होती है ज्यादा हो गया। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू भाई, सॉरी यार इतना टाइम, सॉरी यार कोई बात नहीं। क्या हाल है राहुल? बाल गए सर। क्या हो गया? गंजा दादी ऑफ होगी सर। ओ इसके लिए सर। तो आज है डी डे, जो एक हफ्ते हम पूरा बर्फ पे चीजों पे हाथ में चोट गिरे पड़े वो है, बस आई होप आज इंशाल्लाह अच्छे से जाएंगे, क्योंकि जब ऐसे प्रॉप होते हैं ना तो अपने को नहीं पता कि उस वक्त ऑन स्टेज क्या होने वाला है, बस यही दुआ है कि चीजें अच्छे से हो जाएं। बाकी एंजॉय तो मैं करने वाला हूँ स्टेज पे, तो अभी चलते हैं स्टेज पे, रेडी हो गए। एकदम फुल रेडी हो बरो। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरा शूट डे का जो मैंने शूट किया था एंड बीटीएस जो पूरा हफ्ते हम जो लगे रहे आइस के साथ वो आपने देखा। तो ऑब्वियसली बात है आज मैं घर पे नहीं हूँ तो एपिसोड मैं सबके साथ में नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मेरा रिहर्सल है अभी यहाँ पे रात में, टाइम मतलब लेट तक हूँ मैं, डेढ़ दो बजे तक यहाँ पे हूँ मैं, तो वो है। तो आ गए हैं हम रिहर्सल, देखो रिहर्सल चल रहा है, सबकी हालत ख़राब है और मेरी तो आज कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है,
और बस इस वीडियो का एंड लेना है, और मैंने अभी अपने वीडियो में यही बोला कि इस वीक थोड़ा सा हम डाउन गए, बट वी आर वेरी प्राउड एज अ टीम कि हमने कुछ ऐसा ट्राई किया जो बहुत मुश्किल था, हमने बहुत इन्जॉय किया। और लाइफ में जब रिस्क लेते हैं तो अप्स एंड डाउन होते हैं, तो इस बार हमारा नहीं वर्क किया, बट कोई नहीं, हमारी मेहनत बहुत गई, तो हमारी मेहनत को देख के वोट इस बार दे दीजिएगा। प्लीज वोट करो, व्लॉग देखो कितना मेहनत की है, प्लीज वोट करना, बहुत ज्यादा बहुत मेहनत इस हफ्ते में, तो उस मेहनत के लिए वोट करना। यस प्लीज वोट कीजिएगा, 9:30 से वोटिंग लाइन स्टार्ट हो जाएंगी। सोनी लिव पे आपको जाना है, ऐप को या तो अपडेट करना है या डाउनलोड करना है, और उस पर एक इंसान पर आईडी से 50 वोट कर सकता है, तो प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके मुझे भी करिए, और जिसको आप पसंद करते हैं आप उनको भी करिए, लेकिन मुझे भी याद रखिए साथ में। तो गाइस चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, बस खुश रहो लाइफ में, और प्लीज़ वोट देते रहो। लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। वोट।